हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज देवेंद्र। वेलकम बैक टू नेटवर्क क्रिएटर। टुडे आवर टॉपिक इज रिप एनजी कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको IPv4 कॉन्फ़िगरेशन रिप का आता होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, क्लिक ऑन आई बटन ओवर द स्क्रीन, फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। फ्रेंड, ये हमने सिनेरियो लिया हुआ है R1 R2, देयर आर टू राउटर्स एंड इनके एड्रेसेस हमने आपको शो करा दिए हैं, क्या एड्रेसेस हमने इंटरफेस पर असाइन करना है, राइट? तो सेम एड्रेसेस हम इंटरफेस एंड पीसीज पर असाइन करेंगे IPv6 के, और उसके बाद हम रिप एनजी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे NGNS3, राइट? आई होप आपको IPv6 के एड्रेसेस असाइन करना आता होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिकॉज हमने IPv6 की एक सेपरेट वीडियो एंड IPv6 की स्टैटिक राउटिंग भी करा रखा है, राइट? तो आई होप आपको क्लियर है। नाउ मूव फॉर प्रैक्टिकल, कम ऑन R1। एड्रेसेस असाइन करने से पहले मैं चेक करा दूं कि इस राउटर पर कोई भी एड्रेस नहीं है। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, राइट? आप देखिए सभी इंटरफेस पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन। नाउ असाइन एड्रेसेस, इंटरफेस F0/0, IPv6 एड 2001:1/64, नो शट, इट इज अ मैंडेटरी कमांड। नेक्स्ट इंटरफेस S1/0, IPv6 एड 2002:1/112, नो शट डाउन। नाउ चेक एड्रेसेस, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। देखिए आपके एड्रेसेस असाइंड हो चुके हैं, राइट? नाउ मूव ऑन R2, इंटरफेस S1/0, IPv6 एड 2002:2/112, नो शट डाउन। इंटरफेस F0/0, IPv6 एड 2003:1/64, नो शट डाउन। डू वेरीफाई, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, एड्रेस असाइन हो चुका है, क्लियर। नाउ फ्रेंड, हमने राउटर्स पर एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं, अब पीसीस पर एड्रेस को असाइन करते हैं। IP 2001:2/64, ऑटो चेक कर लेते हैं। सो IPv6, देखिए एड्रेसेस हमारे असाइन हो चुके हैं, राइट? सेम मैनर में आपको R2 पर एक पीसीस पर एड्रेस असाइन करा के दिखा देता हूँ। PC3 पर IP 2003:2, ऑटो शो IPv6, देखिए हमने एड्रेस असाइन कर दिया, राइट? इस मैनर में आप हर एक पीसीज पर आईपीज को असाइन कर सकते हैं, राइट? नाउ कॉन्फिगर रिप एनजी, राइट? ऑन R1 जस्ट वी नीड टू इनेबल IPv6 राउटिंग। तो IPv6 की राउटिंग इनेबल करने के लिए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, दिस इज अ कमांड। ये कमांड जस्ट आपके IPv6 को इनेबल करता है। आफ्टर दैट अब हम रिप के कमांड रन कराएंगे, IPv6 में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। IPv6 राउटर रिप, इसके आगे कोई भी आप वर्ड देंगे जो एक यूनिक होता है इसी राउटर के लिए, वो लोकली सिग्निफिकेंट होगा, राइट? आप डिफरेंट भी दे सकते हैं, सेम भी। तो यहाँ पर हम दे देते हैं DP, राइट? इसके बाद हम इंटरफेस पर जाएंगे, इंटरफेस S1/0। IPv6 में हम राउटिंग इनेबल करने के लिए जस्ट इंटरफेस को बताते हैं, कोई एड्रेस आपको नेटवर्क आईडी डिफाइन नहीं करना है, नेटवर्क रिप में हमें इनेबल नहीं करना है, जस्ट हमें इंटरफेस को इनेबल करना है, ऑटोमेटिक वो रिप एनजी कॉन्फिगर हो जाएगा। नाउ IPv6 रिप, हमने जो नेम दिया था ऊपर DP, तो यहाँ पर हमने DP दे दिया। उसके बाद इंटरफेस को हमें क्या करना है, इनेबल। नाउ नेक्स्ट इंटरफेस इज F0/0, IPv6 रिप, DP इनेबल। जस्ट फ्रेंड, यहाँ पर R1 पर रिप इनेबल हो चुका है। नाउ मूव ऑन R2, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। नाउ फ्रेंड, मैं आपको ये ट्रबल शूटिंग दिखा देता हूँ, अगर आप ये कमांड रन नहीं कराते हैं यूनिकास्ट राउटिंग का, तो आपके पास मैसेज क्या आएगा, राइट? लेट सपोज आप ये कमांड फॉरगेट कर जाते हैं राउटिंग इनेबल करने का, आप जस्ट डायरेक्ट रिप इनेबल करना चाहते हैं, राइट?
तो IPv6 राउटर रिप हमने यहाँ पर नेम चेंज करके ले लिया। आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं वर्ड्स, बिकॉज ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है, राइट। अब देखिए आपको मैसेज क्या मिल रहा है, IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल्ड। सो हमें ये कमांड कंपलसरी है IPv6 के लिए, राउटिंग इनेबल करना है तो, राइट। तो नाउ इनेबल IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, नेक्स्ट कमांड IPv6 राउटर रिप DPS। नाउ इंटरफेस एस 1/0 IPv6 रिप DPS जो हमने जस्ट ऊपर डिफाइन किया है नेम, राइट, इनेबल। नेक्स्ट इंटरफेस एफ 0/0 IPv6 रिप DPS इनेबल। तो हमने फ्रेंड क्या किया, जस्ट इंटरफेस को रिप के में इनेबल कर दिया, राइट। S1/0 को रिप में इनेबल किया एंड नेक्स्ट इंटरफेस F0/0 इसे भी हमने रिप में इनेबल कर दिया, राइट। नाउ चेक राउटिंग टेबल। अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करूं, डू शो IPv6 राउट, आप देखिए रिप के साथ लर्न हो रहा है। इनकी भी AD वैल्यू सेम होती है जो हमने थ्योरी सेक्शन में कवर कर रखा है, जिसे मैट्रिक। देखिए रिप के साथ ये नेटवर्क लर्न हो रहा है 2003:64 जो R2 का LAN नेटवर्क है, राइट। इनके लिए AD वैल्यू 120 एंड मैट्रिक इज 2, क्लियर। आपको चेक करना है कि विच प्रोटोकॉल इज रनिंग, तो आप उसके लिए कमांड जो आपके IPv4 में थे सेम कमांड यूज करना है। आप IPv4 में यूज करते थे शो IP प्रोटोकॉल, राइट, बट हमारा IP वर्जन 6 है तो IPv6 आप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कमांड आपके प्रिविलेज मोड पर रन होते हैं, बट आप इंटरफेस मोड पर हैं तो आप डू कीवर्ड को यूज करेंगे, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्या शो हो रहा है, IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप एंड DP इज यूनिक, जो आपके लोकली सिग्निफिकेंट होता है या कैरी नहीं होता, राइट। तो और रिप के लिए कौन कौन से इंटरफेस इनेबल्ड हैं ये भी शो हो रहा है, क्लियर। नाउ अगर मैं आपको वेरीफाई करा दूं आपके रिप NG में मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा होता है, तो डिबग IPv6 रिप, राइट। नाउ मैं आपको मल्टीकास्ट एड्रेस वेरीफाई करा देता हूं। देखिए FF02:9 ये आपके मल्टीकास्ट एड्रेस है, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस, लाइक सोर्स मल्टीकास्ट एड्रेस। आपको मल्टीकास्ट एड्रेस का रेंज FF80 FF8, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस इज FF02 एंड सोर्स मल्टीकास्ट एड्रेस इज FF80, राइट। तो ये आपके रिप NG का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, क्लियर। नाउ चेक ऑन R2 सो IPv6 राउट, आप देख सकते हैं यहां भी हमारे 2001:64 जो किसका नेटवर्क है, R1 के LAN का, क्लियर। ये लर्न किस प्रोटोकॉल से हो रहा है, रिप। नाउ मैं फ्रेंड आपको प्रोटोकॉल भी चेक करा देता हूं, सो IPv6 प्रोटोकॉल। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, DPS रिप DPS में कौन कौन से इंटरफेस इनेबल है, क्लियर। तो मल्टीकास्ट एड्रेस भी आप वेरीफाई कर लेंगे, प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग टेबल, क्लियर। नाउ मैं आपको कम्युनिकेशन चेक करा देता हूँ बिटवीन PC1 एंड PC3, राइट। PC1 पर फ्रेंड PC3 का एड्रेस क्या है, पिंग 2003:2, राइट। देखिए फ्रेंड आपके कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तो इस तरीके से आपका RIP-NG प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, राइट। आई होप कि आपको रिप NG कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एज इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।